हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी स्कॉड आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर का आगे का पार्ट इस चैप इस में ना हम लोग इस चैनल पे सब कुछ कंप्यूटर का जितना भी आप लोगों का सिलेबस है सारी क्लासेस के लिए हम सारा कुछ कवर करेंगे तो स्टार्ट देखते हैं इससे पहले हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाए भी हैं अब हम आगे देखते हैं एमएस वर्ड तो इंट्रोडक्शन टू एम वर्ड में हम लोग पूरा सब कुछ में समझने वाले हैं तो इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर वर्ड प्रोसेसर प्रोसेस वर्ड्स पैराग्राफ्स पेजेस एंड एंटायर पेपर तो वर्ड का अभी हम देखेंगे कैसा दिखता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसमें हम लोग पैराग्राफ्स लिख सकते हैं सेंटेंसेस बहुत कुछ लिख सकते हैं फाइल्स अपनी बना सकते हैं तो फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर वर बेसिकली कंप्यूटराइज टाइपराइटर्स तो स्टार्टिंग के जो वर्ड प्रोसेसर थे वो टाइपराइटर की तरफ आप उस टाइप कर सकते थे पहले के जो वर्ड प्रोसेसर थे आप कुछ लिख सकते थे फिर उसको प्रिंटर से प्रिंट कर सकते थे बट ये जो अब मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर्स हैं ना मॉडर्न वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स इंक्लूड फीचर्स टू कस्टमाइज दिस स्टाइल ऑफ टेक्स्ट अब तो आप टेक्स्ट कैसा है उसके अलग अलग टाइप का लिखा हुआ कैसा है वो बदल सकता है इटासाइज और बहुत ही सारे टेक्स्ट आप उसमें लिख सकते हैं चेंज द पेज फॉर्मेटिंग एंड एबल टू एड हेडर एंड फुटर पेज नंबर हेडर है ना हेडर फिर हेडिंग क्या होगी नीचे फुटर में क्या आएगा ये सब कुछ आप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो इंट्रोडक्शन टू एम एस वर्ड एम एस वर्ड इट इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज फॉर टाइपिंग टेक्स्ट एम एस वर्ड का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली टेक्स्ट को टाइप करने के लिए या फिर चीजों को लिखने के लिए करते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ एमएस पैकेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन तो एम एस ऑफिस हम लोग देखते हैं ना हमारे कंप्यूटर में होता है तो एम एस ऑफिस में एमएस वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल स्प्रेडशीट बहुत कुछ होता है है ना तो एम एस वर्ड भी एम एस ऑफिस का एक पार्ट है और इसको किसने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है ठीक है ये हमने देख लिया तो वट कैन वी डू विद द टेक्स्ट इन एम एस वर्ड एम एस वर्ड के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जो टेक्स्ट है एम एस वर्ड में उसमें हम अलग अलग स्टाइल लिख सकते हैं राइटिंग के और साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं कलर भी चेंज कर सकते हैं हम हाईलाइट कर सकते हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी कर सकते हैं और स्पेलिंग और ग्रामर को भी चेक कर सकते हैं ऑटोमेटिकली हम लोग एम एस वर्ड में तो हम क्या क्या कर सकते हैं राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं साइज कलर टेक्स्ट और हम लोग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं ग्रामर भी चेक कर सकते हैं अब क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट इन वर्ड वी कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट बाय टाइपिंग द टैक्स हम लोग कैसे क्या करेंगे टाइप करेंगे टेक्स्ट को और फिर हम कोई सा भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और वो टेक्स्ट जो भी हम लिखेंगे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा और जैसे जैसे हम लोग स्पेस दबाएंगे एंटर दबाएंगे तो नई नई लाइन्स आती जाएंगी प्रेस द स्पेस बार टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स तो दो वर्ड के बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो आपको स्पेस बार दबाना पड़ेगा नई लाइन या फिर पैराग्राफ के लिए आपको एंटर की दबानी पड़ेगी और अगर आप लोगों को डिलीट करना है ना कोई शब्द या लाइन तो आप लोगों को बैक स्पेस या फिर डिलीट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो स्पेस बार नीचे की तरफ ऐसा बड़ा सा होता है है ना एंटर यहाँ पे साइड में उस पर लिखा होता है कि ये एंटर है बैक की भी यहाँ पे साइड में होती है ऐसे ऐसे कर के है ना एक ऊपर और फिर ऐसे साइड और फिर ऐसे साइड है ना और एक ऐसे करके एरो अभी हम हम दिखाएंगे सारी उन सब की से बैक डिलीट और और एंटर और स्पेस से हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं देखिए अभी दिखाया जाएगा इसमें अब टू तो क्रिएट अ न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट अगर आपको नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो क्या करेंगे आप लोगों को स्टार्ट पे क्लिक करना है फिर प्रोग्राम पे जाना है फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आप लोगों को क्या करना है अपने कंप्यूटर में यहाँ पे नीचे की तरफ होता है ना स्टार्ट बटन जैसे कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है ठीक है तो यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है आप स्टार्ट पे जाएंगे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं उसमें से एक आएगा प्रोग्राम प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड पावर पॉइंट ये सब खुलेगा और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस में वर्ड ऑफिस में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पे आपको आपको टैप करना करना है। है? है। फिर 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 क्या एक फाइल फाइल, फाइल 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 सेलेक्ट 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 करनी न्यू और कंट्रोल एन या करिए करिए। से फाइल पे क्लिक का खुल जाएगा। तो फिर आप या तो नई फाइल बना दीजिए तो तो देखिए अपना टाइप करते हैं टेक्स्ट आप सारा का सारा। तो ये देखिए कंपोनेंट्स हैं एमएस वर्ड टू के आगे जितने भी आते रहते हैं अपडेट्स वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर होता है फ़ाइल ये फाइल का टैब है और ये ऐसे करके देखिए ऐसे करके टैब है ना तो क्विक एक्सेस टूल बार है और ये रिबन है जिससे आप यहाँ पे देखिए कैलिवरी वर्ड यही होता है राइटिंग स्टाइल आप इससे बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से आप वर्ड का जो भी आपने शब्द लिखा है उसका साइज़ कम बड़ा कर सकते हैं ये है टाइटल बार यहाँ पे आप अपनी फाइल को कुछ नाम दे सकते हैं ये देखिए रूलर है मतलब स्केल है कि कहाँ से कहाँ तक कितने कितने लेंथ के आपने सेंटेंस वगैरह लिखे हैं ये डायलॉग बॉक्स है फिर उसके बाद हेल्प आप उससे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं यह है कर्सर जैसे जैसे करके ब्लिंक होती रहती है ना काले रंग की लाइन बार 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 दिखती है बंद होती है हल्की हल्की हिलती रहती है तो कर्सर है ये इससे जहाँ जहाँ आप टाइप करते जाते हैं वहाँ वहाँ कर्सर मूव करता जाता है नीचे की तरफ देखिए ये जो नीचे वाला है ना स्टेटस बार होता है कि भाई कितने शब्द लिख लिए हैं और ये वाला जो पूरा वाइट वाइट एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर ही आप लिखते हैं ये डॉक्यूमेंट एरिया है और ये वाले व्यू बटन्स होते हैं नीचे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको पूरे के पूरे टेक्स्ट पर देखना है तो आप एक बार इस इसमें देखिए और ये जो छोटा वाला किताब जैसा आधा आधा करके आप लोगों को दिख जाएगा फिर जूम कंट्रोल है यहाँ पर आप शब्द का साइज़ या फिर छोटा या बड़ा कर सकते हैं यहाँ से माइनस करेंगे तो छोटा हो जाएगा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा अब एडिटिंग द वर्ड डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो क्या करेंगे आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए मतलब कोई भी आपने चीज जो लिख रखी है ना उसको सेलेक्ट करिए सेलेक्ट चूजिंग द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड आपने क्लिक करा और उस पर ड्रैक करके सेलेक्ट कर सकते हैं जस्ट ड्रिंग द कर्सर इन द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट वी वॉन्ट टू सेलेक्ट हम लोगों को जो भी सेलेक्ट करना है उसके साइड में उसके सामने आप कर्सर ले आइए कर्सर क्या होता है ये वाला कर्सर होता है टेक्स्ट के सामने कर्सर ले आइए प्रेस लेफ्ट माउस बटन ड्रैग द माउस टिल द तो आपका जो माउस है ना ऐसे करके यहाँ पे ऐसे यहाँ ऐसे होता है तो इसका जो इधर राइट साइड है इधर लेफ्ट साइड है हुँ। तो लेफ्ट वाले पे क्लिक करिए और पूरा उसको खींच दीजिए ऐसे ड्रैग कर दीजिए खींच दीजिए फिर द बैकग्राउंड ऑफ द सिलेक्टेड टेस्ट विल बिकम ब्लैक एंड वी विल सी द सिलेक्टेड टेस्ट इन वाइट कलर तो वाइट कलर का पूरा सिलेक्टेड टेक्स्ट आ जाएगा आपने जो जो सेलेक्ट कर रखा है अब चेंजिंग द साइज ऑफ द टेक्स्ट आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ पे आपने जो भी चीज़ इधर सेलेक्ट कर ली है ड्रैग करके फिर इधर इस पर क्लिक करेंगे जो नीचे ऐसे करके बटन है तो बहुत सारे ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ऐसे करके साइज़ आ जाएगा तो आप लोग साइज बदल सकते हैं ऐसे करके है ना तो और या फिर आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यूज कंट्रोल ऐसे करके कंट्रोल और ये वाला साइन कंट्रोल प्लस ऐसे वाला साइन या फिर कंट्रोल प्लस ये वाला साइन तो भी आप साइज बदल सकते हैं अब हम देखते हैं कॉपिंग एंड मूविंग मतलब कॉपी करना और मूव करना वो कैसे करते हैं मीन्स आपको कोई चीज कट करनी है या फिर कॉपी करनी है कॉपी पेस्ट करना है तो वो कैसे करेंगे कॉपी करने के लिए आप लोगों को फिर से क्या करना है माउस पे ऐसे करके ये वाला बटन क्लिक करना है और साइड में ही ऑप्शन आ जाएगा कॉपी का तो आप लोग कॉपी कर देंगे या फिर सेलेक्ट ऑल भी आप कर सकते हैं या फिर अगर आपको बहुत ही छोटा सा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो कर्सर से क्लिक करिए वहाँ पर और उस कर्सर को ड्रैग कर दीजिए खींच दीजिए तो फिर वो अपना सेलेक्ट हो जाता है कट द कट ऑपरेशन विल रिमूव द कंटेंट फ्रॉम हिस ओरिजिनल पेज एंड मूव इट टू द न्यू डिज़ायर्ड लोकेशन तो आपने पहले कट करा फिर दूसरी जगह जा करके पेस्ट कर दिया तो जहाँ पर था वहाँ से हट के जहाँ करना चाहते हैं वहाँ पर वो चीज़ पहुँच जाती है तो मूविंग मीन्स टू कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक फ्रॉम वन प्लेस एंड पेस्टेड ऑन द अनदर लोकेशन तो मूविंग का मतलब क्या होता है मूविंग का मतलब होता है कि इस जगह पर अगर आपका पहले टेक्स्ट था तो यहाँ से हटा करके आप इसको यहाँ पर रख देंगे और कॉपी का मतलब होता है कि यहाँ पर भी है और दूसरी जगह पर भी वो चीज़ आ जाएगी तो फॉलो फॉलोइंग इज द प्रोसीजर टू कट एंड पेस्ट तो सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट यूजिंग कोई भी मेथड आप सेलेक्ट कर लीजिए फिर कंट्रोल सी आप लोग कॉपी के लिए यूज करते हैं और कंट्रोल एक्स आप लोग कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लेस द कर्सर एट द डिजायर्ड लोकेशन वेयर यू वॉन्ट टू पेस्ट द टेक्स्ट एंड कंट्रोल वी तो आपको ये इतना कमांड्स याद रखनी है कंट्रोल प्लस सी आप कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स आप कट करने के लिए और कंट्रोल प्लस वी आप पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं अब आपने जो भी बदलाव किए हैं जो भी चेंजेस किए हैं आप उसको सेव जरूर करिए वरना कोई फायदा ही नहीं होगा काम करने का तो क्लिक ऑन ऑफिस टा, बटन टैप तो ऑफिस वाले बटन पर टैप कर दीजिए साइड में और सेव करने का आपका सिंपल सा ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ पर देखिए ऐसा किया था ना आपने बताते हैं ये था ना देखिए होम होम पे आप क्लिक करेंगे ना होम पे क्लिक करेंगे तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा सिंपल सा या फिर आप सेव एज कर सकते हैं होम पे आपने क्लिक किया तो सेव एज आ जाएगा सेव एज करके आप अपनी फाइल को कोई नाम दे दीजिए और ओके दबा दीजिए तो आपका चीज़ सेव हो जाएगी अब वर्ड को क्लोज कैसे करेंगे वर्ड को क्लोज करने के लिए भी आपको सेम काम करना है आप होम पे जाइए और होम पे सबसे नीचे क्लोज बटन होगा या फिर आप ये वाला लाल वाला बटन भी दबा सकते हैं तो भी आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्लोज हो जाएगा तो एग्जिट फ्रॉम वर्ड और एग्जिट फॉर क्लिक बटन इधर से डायरेक्ट ये क्रॉस वाला बटन दबाएंगे तो आप एग्जिट कर जाएंगे वी कैन एग्जिट फ्रॉम एम एस वर्ड बाई यूजिंग क्लोज बटन ऑफ एम एस विंडो और बाय क्लिकिंग द ऑफिस टैब एग्जिट ऑप्शन तो मैंने दोनों आपको बता दिए सबसे ईजी यही है आप अपना वर्क सेव करिए और आपको क्लोज करना है तो यहाँ से रेड वाले क्रॉस वाले बटन पर दबा दीजिए और आप वहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स से देख लिए किस तरीके से आप लोग एम एस वर्ड को खोलते हैं कैसे आप उसमें लिख के उसको साइज़ को टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं या फिर उसको आ, है ना इसी तरीके से कलर भी चेंज हो जाता है इसी तरीके से उसका फॉन्ट फॉन्ट मतलब कैसा दिख रहा है जो आपने लिखा हुआ है कई बार रिटायल साइज अलग अलग टाइप की राइटिंग दिखती है ना वो फॉन्ट होते हैं तो अलग अलग टाइप का फॉन्ट कैसे बदल सकते हैं फिर फाइल को सेव करना और एम एस ऑफ वर्ड से बाहर जाना ये सब हमने इस वीडियो में देखा आगे आने वाले वीडियोज़ में और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू